हे दे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं पोकेमोन जर्नीज के बारे में। और सच में ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे अंदर गूज़बम्स आने स्टार्ट हो गए, बिकॉज पोकेमोन कंपनी ने ऑफिशियली एपिसोड 50 के साथ ही अपना न्यू प्रीव्यू लॉन्च किया है। मेनली उन्होंने अपनी न्यू ओपनिंग लॉन्च की है और सच में ये ओपनिंग काफी ज्यादा ओपी है। और सच में ये पोकेमोन कंपनी की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग है। और जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा तो सच में मजा आ गया। और इस ओपनिंग में हम सबको काफी ज्यादा अमेजिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। हम सबको इस ओपनिंग में गैरी होगा और आयरिस का रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा काफी ज्यादा माइथिकल पोकेमोन भी हम सभी को देखने को मिलेंगे और इसके अलावा लेजेंडरी पोकेमोन भी। और सच में पोकेमोन जर्नीज अब तक की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाली है और मैं अपने आप को आपको बताने के लिए रोक भी नहीं सकता। इसके अलावा विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस न्यू ओपनिंग के स्टार्टिंग में हम सबको एस गो और साथ ही कोहरू एंड लियोन देखने मिलते हैं, जो कि एक कार के पास खड़े हैं और लियोन उनमें से एक मैप को देख रहा है। इट्स मीन्स वो एक न्यू जर्नी पे निकलने वाले हैं सभी मिलकर। उसके बाद हम सबको एक रिवर के पास एस कैचम और उसके फ्रेंड देखने मिलते हैं और साथ ही कोहरू के पास एक गैलारियन पोनीटा भी है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सबको एक पहाड़ी पर एस कैचम के गैलारियन फारफेच के साथ अदर फ्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद हम सबको नेक्स्ट सीन में हम सभी को एस के पिकाचू और साथ ही सोबल के पास ग्रुकी देखने मिल रहा है। लेकिन तक ये कंफर्म नहीं है कि कौन इस ग्रुकी को कैच करने वाला है। ये ग्रुकी पहले गो के पास जाता है और उसके पास एस के पास, लेकिन दोनों में से कोई भी उसको कैच नहीं कर पाते। और हो सकता है कि इसको कोहरू कैच कर ले, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। और इसके बाद हम सबको काफी ज्यादा एपिक सीन देखने मिलता है जहाँ पे गो बैटल कर रहा है सुइकून एंटी और राइकू के साथ। और हम सबको एपिसोड 53 में सुइकून देखने मिलने वाला है, ये कंफर्म हो चुका है। और उसके साथ एंटी और राइकू भी देखने मिल रहा है और सच में काफी ज्यादा एपिक सीन होने वाला है। और उसके बाद हम सबको काफी ज्यादा कैरेक्टर देखने मिल रहे हैं लाइक प्रोफेसर ओक, प्रोफेसर साकुराकी और उसके असिस्टेंट, और इसके अलावा कोरिना। और कोरिना का लुकारियो हम सबको पहले रिटर्न होते हुए देखने मिल चुका है और चांसेस है कि मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आगे भी रिटर्न और करे। इसके अलावा बी और सोनिया में देखने मिलने वाले हैं। और इसके अलावा केलोस का लाइट फोर मेंबर भी देखने मिलने वाला है इसी, और साथ ही प्रीवियस प्रीव्यू में भी हम सबको देखने मिला था। और इसके बाद एक काफी एपिक सीन देखने मिलेगा और वहां पे हम सबको आयरिस का रिटर्न देखने मिलेगा। हाँ, उनोवा कंपेनियन आयरिस का रिटर्न जो काफी ओपी होने वाला है। ये काफी अनएक्सपेक्टेड है लेकिन इसमें काफी मजा भी आने वाला है। और तबाही सीन तो अब देखने मिलेगा क्योंकि अब गैरी ओ का रिटर्न होने वाला है गेला रीजन में। और आज से मैंने 6 मंथ पहले एक गैरी ओ के रिटर्न को लेकर वीडियो बनाया था और सच में ये कंफर्म हो चुका है अब। और सच में गैरी ओ का न्यू एनिमेशन काफी ओपी है और गैरी ओ उसी एटीट्यूड के साथ एस केचम के साथ बैटल भी करने वाला है। और इसके बाद हम सबको वापिस एस केचम और साथ ही गो के साथ लियोन देखने को मिलने वाला है और वो एक न्यू जर्नी पे निकलने वाला है, साथ में उनके साथ कोहरू भी होने वाली है और वो भी उसी लियोन की कार में। और उसके बाद हम सबको काफी डायनामिक्स पोकेमोन देखने को मिलते हैं और वहीं पे टीम रॉकेट का म्याउथ भी डायनामिक्स हो जाता है और वहीं पे टीम रॉकेट और उनका मॉर्पी को भी देखने में मिल रहा है। और इसके बाद एस केचम गो और कोहरू देखने में मिल रहे हैं और वहीं पे कोहरू की ईवी भी देखने में मिल रही है। और उसके बाद हम सबको ईवी के अब तक के रिवील किए गए सभी एवोल्यूशन भी देखने में मिल रहे हैं और साथ ही चांसेस है कि ईवी को एक न्यू एवोल्यूशन मिले या फिर एक न्यू स्पेशल ईवी हो। और सबसे ज्यादा ओपी सीन तो अब आएगा, लेकिन उससे पहले अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आ ही रहोगा तभी तो इतना देखा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दो ताकि आपको पोकेमोन जर्नीज के रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। और इस ओपनिंग में अब हम सबको काफी ओपी सीन देखने मिल रहा है और इसमें हम सबको काफी माइथिकल पोकेमोन देखने मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में म्यू देखने मिल रहा है और उसके बाद सेलबी और उसके बाद हम सबको जिराजी और फ्लाइंग फॉर्म में शाइमिन और उसके बाद विक्टिनी देखने मिल रहा है। और उसके बाद हम सबको इसी में हुपा देखने मिल रहा है और उसके बाद हम सबको अलोला का जरोरा यानी इलेक्ट्रिक टाइप माइथिकल पोकेमोन के साथ नया नवेला गैलारियन जरूर देखने मिल रहा है, जो कि ग्रास एंड डार्क टाइप काफी पावरफुल माइथिकल पोकेमोन है। और इसके बाद हम सबको लूगिया भी देखने मिल रहा है। इट मीन सबको अब फ्यूचर में काफी टाइप्स के माइथिकल और लेजेंडरी पोकेमोन देखने मिलने वाले हैं। और इसके बाद एस केचम और गो की काफी तबाही बैटल देखने मिल रही है और इसमें एस यूज कर रहा है अपने लुकारियो को और गो यूज कर रहा है अपना सिंडरेस को, वो भी एक रेनी सीजन में ओपी बैटल होने वाली है। और इसके बाद एस केचम और वर्ल्ड चैंपियन लियोन की काफी तबाही बैटल देखने मिल रही है। इसमें एस केचम अपने पिकाचू का यूज कर रहा है और लियोन यूज कर रहा है अपने सिग्नेचर पोकेमोन चारिजार्ड का। सच में ये बैटल काफी तबाही होने वाली है। और तुम सभी को क्या लगता है कि ये बैटल कौन जीतने वाला है? और इसके अलावा तुम सभी को ये न्यू ओपनिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से बताओ। और इसके अलावा बेस्ट पार्ट तुम सभी को कौन सा लगा इसके बारे में भी। मेरा तो बेस्ट पार्ट इसमें माइथिकल पोकेमोन, इसके अलावा गैरी ओक और आयरिस का रिटर्न होने वाला है। और सच में गैरी ओक का जब रिटर्न होगा तो वो मोमेंट सच में काफी ओपी होने वाला है और गैरी ओक उसी एटीट्यूड के साथ एस केचम से बैटल करे उसी एपिसोड में तो क्या ही मजे आने वाला है। और इसके अलावा आयरिस का रिटर्न भी काफी अनएक्सपेक्टेड है लेकिन काफी मजा आने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दो ताकि आपको पोकेमोन के रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिले। इसके अलावा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन दिस इज पोकेसवर्ड।
साइनिंग आउट।